दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खजूर रोल, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम पैन में खसखस ऐड करेंगे। खसखस मैंने 1 टेबलस्पून ली है और इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। उसी पैन में हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। काजू ऐड किए हैं मैंने, बादाम और काजू मैंने 25-25 ग्राम लिए हैं और चिरौंजी और पिस्ता मैंने 20 ग्राम लिया है। इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इसे साइड पर रख देंगे। पैन में हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। खजूर ऐड करेंगे। खजूर मैंने 400 ग्राम ली है और इसे छोटे पीस में कट कर लिया है। खजूर को भी हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून इलायची और जायफल पाउडर ऐड करेंगे। खसखस ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम एक डिश में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है वरना हमारे रोल नहीं बनेंगे। थोड़ा गर्म रहे तभी हम इसके रोल बना लेंगे। अब हम मिक्सचर को फॉइल पेपर पर रखेंगे। और उसे चम्मच से फैला लेंगे। आपको जितना थिक चाहिए वो हिसाब से चम्मच से फैला लें। अब इस पर हम ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, इसे पूरा कवर कर देंगे। अब इसके हम टाइट रोल बना लेंगे। थोड़ा प्रेस कर देंगे। और इसकी साइड पे से भी हम थोड़ा उसको प्रेस कर देंगे ताकि कट करते समय रोल हमारे खुल ना जाए। रोल को हम ऊपर से भी कोकोनट से कोट कर लेंगे।
और इसे फॉइल पेपर में अच्छे से रैप करके इसका रोल बना लेंगे। और साइड से भी इसे बंद कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। और इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, रोल हमारे सेट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम फॉइल पेपर के साथ ही कट करेंगे। इसे हम फॉइल पेपर से निकाल कर एक डिश में ले लेंगे। खजूर रोल हमारे रेडी है। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।